वेलकम फ्रेंड्स, काजोल और अजय देवगन की फिल्म इला के रिलीज में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। इस फिल्म से अजय और काजोल दोनों ही जुड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ काजोल ही सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई देंगी, अजय देवगन नहीं। अजय देवगन इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं। इस फिल्म का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे अजय और काजोल दोनों ने ही शेयर किया है। अजय देवगन ने कुछ दिनों पहले ही इस फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया था, जिसमें फिल्म के एक एक्टर रिद्धि सेन तो दिखे थे, लेकिन काजोल नहीं दिखी थी। अब नया पोस्टर आया है तो इसमें इस फिल्म में काजोल का फर्स्ट लुक दिखाई देता है। काजोल के हाथों में एक लकड़ी है, जिससे निकले धागों में रिद्धि सेन लटक रहे हैं, जैसे काजोल ने उन्हें कठपुतली बना रखा हो। बताते चले कि इस फिल्म में काजोल एक सिंगल मदर का किरदार निभा रही है, जो कि काफी महत्वाकांक्षी महिला है। रिद्धि सेन इस फिल्म में काजोल के बेटे बने हुए हैं। इस पोस्टर पर लिखा है कि वह यहाँ वहाँ हर जगह है, यानी इस फिल्म में कुछ ऐसा होगा कि काजोल अपने बेटे को पूरी तरह से अपने काबू में रखना चाहती है। इससे पहले काजोल ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी माँ की पसंद पर कभी हंसो मत, क्योंकि आप भी उनमें से एक हैं। फिल्म हेलीकॉप्टर इला आनंद गांधी के गुजराती प्ले बेटा कागड़ो पर आधारित है। इस फिल्म में काजोल और रिद्धि सेन के अलावा नेहा धूपिया भी प्रमुख किरदार में दिखाई देंगी। इस फिल्म का निर्देशन प्रदीप सरकार ने किया है और ये फिल्म 14 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फ्रेंड्स, इस फिल्म पर आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।